हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओनियन रोल, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ओनियन रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है 1.5 कप मैदा, 1.5 कप आटा, दोनों बराबर मात्रा में लेना है। आप चाहे तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं और चाहे सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला के अच्छा टेक्सचर आता है। इसमें हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। सभी को अच्छे तरीके से पूरे आटे में मोयन को मिला दें। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक को भी पूरे आटे में मिला दें, अच्छे तरीके से मिला दें पूरे आटे में। अब हम उसमें 1/2 चम्मच जवाइन, जवाइन को थोड़ा क्रश करके डालने से आटे में अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए जवाइन को इसी तरह से क्रश करके आटे में डालें। 1/2 चम्मच मंगरेला, मंगरेला को भी क्रश करके डालें, उसका भी अच्छा फ्लेवर आएगा क्रश करने के बाद। पूरे आटे में जवान मंगरेलो को मिला के हम उसमें उसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा डो तैयार है, ज़्यादा कड़ा डो नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट डो ही बनाना है। इसी तरीके का ऐसे 15 मिनट रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, इधर हम सब्जी काट के रख लिए हैं। इसमें 5 प्याज, 1 बड़ा शिमला मिर्च और 2 टमाटर, मीडियम साइज़ का टमाटर है। हम इधर पैन चढ़ा, पैन को गर्म होने दें। उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने दें। हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें जीरा, 1/2 चम्मच जीरा डालना है। जीरे को चटकने दें। जीरा जब चटक जाए तब हम उसमें क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। 1 इंच अदरक, ज़्यादा अदरक नहीं, 1 ही इंच अदरक, और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च क्रश करके उसमें डाल देंगे। जब अदरक और हरी मिर्च से अच्छी खुशबू आने लगे तब हम उसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी अच्छे तरीके से भून लें। इतने प्याज में आप 4 रोल बना सकते हैं, 4 से 5 रोल बन जाएगा। टमाटर, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस गोल्डन ब्राउन होने दें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को भी अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गया। अब उसमें हम 1 चम्मच नमक, नमक स्वादानुसार ही डालें, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को अच्छे तरीके से मिला लें। सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स होने दें ताकि अच्छा 2 मिनट तक इसे भून के, ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब हम उसमें टमाटर जो मैंने काट के रखा था वो उसमें डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने दें, उसे भी 2 मिनट तक साथ में सभी मसालों के साथ मिक्स होने दें। टमाटर में भी टेस्ट आना चाहिए, इसलिए उसे अच्छे तरीके से पकने दें। सभी को अच्छे तरीके से चला के ये देखिए हमारा फिलिंग तैयार है। ये देखिए हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे आटे का, और इससे इसका हम पराठा बेल लेंगे। बड़ा ही बॉल लें ताकि पराठा हमारा मोटा बने। ये देखिए इसे हम इसी रोटी की तरह बेल लेंगे। उसमें हल्का सा रिफाइन लगा के चारों तरफ लगा दें और इस तरह से मोड़ लें। आप चाहे तो इसे गोल भी रख सकते हैं। मैंने ये शेप दिया है स्क्वायर शेप,
इसे इस पराठे को थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए हमारा पराठा तैयार है, बस थोड़ा बड़ा ही बनाए, छोटा नहीं, बड़ा रोल का पराठा बड़ा ही होना चाहिए। देखिए थोड़ा मोटा पराठा बनाए, अब हम इसे तवे पर सिकने के लिए चढ़ा देंगे। अब देखिए ऊपर से हल्का हल्का फूलने लगा है, तो हम पराठे को उलट देंगे। पलटने के बाद इसमें ऊपर से रिफाइन लगा के इसे अच्छे तरीके से सेक लें। आप चाहें तो इसे घी में भी सेक सकते हैं, मैंने यहाँ ऑयल में सेका है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से दाब दाब के उसे पका लें। बोला देखिए हमारा कितना अच्छा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गया है पराठा। हम इसे प्लेट में पूरा क्रिस्पी बना के इसे प्लेट में निकालें। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। दाब दाब के चारों तरफ से पराठे को अच्छे तरीके से क्रिस्पी बना लें, ताकि खाने में टेस्टी लगेगा। ये देखिए अब हम इसमें फिलिंग लगाएंगे। पहले सबसे पहले पराठे में हम चारों तरफ से टोमेटो सॉस लगाएंगे, उसके बाद आधा चम्मच चिली सॉस। चिली सॉस आप अपने ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और उसमें हम फिलिंग डाल देंगे। अब उसे अच्छे तरीके से दाब दाब टेस्ट करते हुए रोल कर लें। दूसरा रोल भी इसी तरीके से तैयार कर लें। आप चाहे तो इसमें चिली सॉस भी डाल, रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा रोल तैयार है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।